दोस्तों अगर आप भी शुभमन गिल, केएल राहुल और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जाते जाते गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी बांग्लादेशियों को ऐसा सबक सिखा गए हमारे खिलाड़ी कि केएल राहुल और गिल की बल्लेबाजी देखकर तो बांग्लादेशियों के परखच्चे उड़ गए थे। कैसे इन दोनों खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी में भी बांग्लादेशी टीम को खदेड़ कर रख दिया। आपको दोनों की बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, केएल राहुल, शुभमन गिल और रोहित शर्मा व बाबर आजम में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में हर एक डिपार्टमेंट में भारतीय आगे रहे, चाहे बल्लेबाजी या गेंदबाजी या फिर शानदार फील्डिंग क्यों ना हो। आपको बता दें कि पहले दिन के खेल की शुरुआत में टॉस हम भले ही नहीं जीते, लेकिन टॉस न जीत कर भी आज भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीतने वाले काम कर दिए। खास तौर पर गेंदबाजों की तारीफ बनती है। पारी के 16वें ओवर में दोस्तों कुलदीप की जगह 12 साल बाद मौके दिए गए उनादकट ने आज ऐसी गेंदबाजी कराई कि इतिहास रच गए। उन्होंने दोस्तों पिछले मैच में शतक लगाने वाले जाकिर हसन को आउट किया। इतना ही नहीं, आगे चलकर उनके नाम एक और बहुत बड़ा विकेट रहा। उधर उमेश यादव और अश्विन ने आधी बांग्लादेश की टीम को अपनी दमदार गेंदबाजी के दम पर कुचल कर रख दिया था। दोस्तों उमेश यादव ने शाकिब अल हसन से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ियों को निपटाया। उधर अश्विन ने भी लिटन दास से लेकर किसी को नहीं छोड़ा। दोनों खिलाड़ियों के हिस्से में चार चार विकेट आए, जिसका नतीजा ये रहा कि यह बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग में पहले दिन के खेल में पूरा खेल कर भी 250 के पार तक नहीं जा पाई और मात्र 227 पर ऑल आउट होकर रह गई। जाहिर सी बात है दोस्तों कि स्कोर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जो मुश्किल थी वो ये थी कि जब भी 200 किसी दिन का खेल खत्म होता है तो उसके आखिरी भाग में जो भी भारतीय बल्लेबाज या किसी भी टीम के बैटर्स मैदान पर आते हैं उनके लिए दिक्कतें पैदा की जाती है। एक तो पिच पुरानी हो जाती है, ऊपर से रोशनी कम होती है। खिलाड़ियों को अपना विकेट बचाना था और दोस्तों हमारे खिलाड़ी आज इसमें कामयाब भी रहे। खतरनाक गेंदबाजी से हमने बांग्लादेश को 227 पर तो रोक दिया था, उमदा फील्डिंग भी करी थी, लेकिन अब बल्लेबाजी की बारी थी और मानना पड़ेगा बल्लेबाजी में गिल और केएल राहुल का बल्ला ऐसा चला कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों के मुंह पर चुप लग गए। दोस्तों केएल राहुल तो जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव होकर खेल रहे थे, लेकिन ये केस शुभमन गिल का नहीं था। पारी के 3रे ओवर में तस्किन अहमद को चौका जड़कर शुभमन गिल ने अंदेशा साफ कर दिया था खेलेंगे तो तूफानी अंदाज में। चौका जड़ने के बाद भी शुभमन गिल की भूख नहीं मिटी। हालांकि दिन का खेल खत्म होने के चंद ओवर बचे थे, चंद गेंदें बची थी, उसमें भी इस खिलाड़ी ने रिस्क ले डाला और शाकिब अल हसन को ऐसा छक्का लगाया कि देखकर हर कोई दंग था। दोस्तों शाकिब अल हसन ने एक जाल बिछाते हुए 6ठे ओवर की 5वीं गेंद को बड़े धीमे गति से डाला और फिर ये देखना चाहा कि शुभमन गिल कैसा शॉट खेलेंगे, आउट तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि शुभमन गिल स्पिनर गेंदबाजों का ही शिकार करना पसंद करते हैं। आगे बढ़कर शुभमन गिल ने शाकिब अल हसन के सर के ऊपर से गेंद को इतनी जोर कर खेल दिया कि वो जाकर दूसरे स्टैंड में गिरी और ये इस पूरे मैच का सबसे लंबा छक्का हो चुका था। दोस्तों शुभमन गिल का ये छक्का भारतीय इनिंग का इकलौता छक्का भी बना है। आपको बता दें वो बड़ी तेजी से फिर 20 रन पर पहुंच गए इनका खेल खत्म होने तक। हालांकि कप्तान साहब तो दोस्तों मात्र 3 रन बना पाए, लेकिन सलाम है शुभमन गिल के जज्बे को जो 20 रन तक बना गए। दोस्तों चंद ओवर्स में इतने रन बनाना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन अब आप सभी को क्या लगता है शुभमन गिल के सिक्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? साथ ही साथ दोस्तों कल कितने रन बनेंगे इसका भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।